ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का एहतजाज रंग ले आया। चेयरमैन नैब की मुतासरीन को 6 हफ्तों में मसले के हल की यकीन दहानी। चेयरमैन नैब का कहना था कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी केस में प्ली बार्गेन नहीं होगी, मुतासरीन को पहले इनकी असल रकम और बाद में मुनाफा दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा आखिरकार एहतजाज रंग ले आया। जी जैनब, आज ईडन मुतासरीन का जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा था आज रंग लिया है, क्योंकि मुतअद्दी दफ़ा जो ईडन मुतासरीन जो हैं पहुँचे थे नैब ऑफिस, जब भी उन्हें चेयरमैन नैब के आने की इतला मिलती थी और मुजाहरा किया जाता था। आज भी क्योंकि बहुत ज़रूरी असाइनमेंट पर चेयरमैन नैब आए थे आज लाहौर ऑफिस, उन्होंने कुछ अहम केसेस पे ब्रीफिंग भी लेनी थी। डी जी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई कुछ केसेज पर, लेकिन उसके बाद ईडन मुतासरीन का एहतजाज शुरू हो गया। उन्होंने जो गेट के बाहर है सख्त एहतजाज शुरू कर दिया और प्री बार्गेन नामंजूर के नारे लगाए गए, जबकि नैब तेरे जाब्ते हम नहीं मानते के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद उनका मुतालबा ये था कि चेयरमैन नैब बाहर आकर उनसे जो है मुजाकरा करें। तहम चेयरमैन नैब की जानिब से पहले ये कहा गया इंतजामिया की जानिब से कि 4 लोग अंदर आके चेयरमैन नैब से मुलाकात कर लें, लेकिन जिस पर तमाम मुतासरीन ने इनकार कर दिया। उनका कहना ये था कि तमाम लोग जो है चेयरमैन नैब से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद चेयरमैन नैब ने उन्हें तमाम मुतासरीन को अंदर बुलाया, लेकिन जो कुतबे उन्होंने उठा रखे थे उन्हें साइड पर रखवा दिया गया, बाहर ही रखवा दिया गया। और उसके बाद चेयरमैन नैब ने तकरीबन 1 घंटे जो है मुतासरीन की तमाम बातें सुनी, उनके जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए और बड़े पैशन के साथ चेयरमैन नैब जो थे मौजूद रहे, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन नैब ने जो है मुतासरीन को इस बात का वादा किया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर उनके मसाइल जो है हल किए जाएंगे। 20 अरब रुपए की जो जायदाद है ईडन वालों की वो नैब ने अपने कब्जे में कर ली है, और उनका कहना यह भी था कि जो रकम उन्होंने अदा की थी उसके साथ उन्हें असल मुनाफा भी दिया जाएगा, लेकिन पहले असल रकम अदा की जाएगी उसके बाद मुनाफा दिया जाएगा। तहम उनका यह भी कहना था कि प्री बार्गेन नहीं की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुतालबा मुतासरीन की जानिब से यह किया गया था कि ईडन वालों के साथ कोई प्री बार्गेन ना की जाए, जिस पर चेयरमैन नैब उस वक्त उनका कहना यह था कि मैं जो नैब है कोई भी जो है प्री बार्गेनिंग नहीं करेगा और तमाम मसाइल जो है 6 हफ्ते के अंदर अंदर हल हो जाएंगे। चेयरमैन नैब ने तमाम मुतासरीन को चाय और बिस्किट की दावत भी दी, उन्हें चाय भी पिलाई गई। ताहम जराय का कहना यह कि उनके अहम केसेस में आज ब्रीफिंग दी जानी थी, जिसमें ख्वाजा साद रफीक के आशान एक बार स्कैंडल केस है, असासा जाद में सलमान शहबाज और हमजा शहबाज का केस चला, जबकि जो अहम पेशरफ होनी थी वो डी जी जो लाहौर है शहजाद सलीम, उन्होंने जो मीडिया पर टॉक की थी उस वाले से भी एक अहम ब्रीफिंग और इजलास था जिसमें बहुत सी बातें की जानी थी। ताहम अब कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन नैब क्योंकि ज़्यादा वक्त ईडन मुतासरीन के साथ मुलाकात में उनका लग गया था तो वो चले गए, और उसके बाद कल कहा जा रहा है कि दोबारा चेयरमैन नैब आएंगे तो उनको अहम केसेस के हवाले से जो है नैब लाहौर जो है ब्रीफिंग भी देगा, ताकि आइंदा का लाया अमल भी उनसे तय किया जा सके और मुशावरत भी की जा सके कि आइंदा जो अहम केसेस चल रहे हैं जिसमें आशाना एक बार स्कैंडल है, असासा जात केस है, जबकि जो हुकूमती अरकान शामिल हैं जिसमें अलीम खान का केस चल रहा है, मोना सराई का केस चल रहा है, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के जो है असासा जात के हवाले से केस चल रहे हैं, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी और आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा कि कौन कौन सी सियासी शख्सियत को दोबारा तलब किया जाए, ताकि जिन तमाम सियासी शख्सियत के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको भी तेज़ी के साथ निपटाया जाए और उनकी तहकीकात भी मुकम्मल की जाए। इस हवाले से कल दोबारा चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि वो नैब ऑफिस आएंगे और उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन नैब ने मुतासरीन को 6 हफ्ते में मसले के हल की यकीन दहानी करा दी है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।